मशरक प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रखंड वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव संघ धरना प्रदर्शन कर अपनी तीन सूत्रीय मांग को लेकर आए। धरना प्रदर्शन के बाद प्रखंड कार्यालय पर बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा पहुंचे। बीडीओ को आते देख संघ के सदस्य नारेबाजी करने लगे। आक्रोशित सदस्यों के मंसूबे फांपते हुए बीडीओ ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि आपकी मांग जायज है, पंचायत वार्ड सभी वार्ड सदस्य व सचिव को बुलाकर मामले की जांच की जाएगी, नियमानुसार सचिव को अनुरक्षक के पद पर बहाल कर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वीडियो के इस आश्वासन पर सभी सचिव सदस्य आंदोलन अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया है। इसके पूर्व वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव को अनुरक्षक के पद पर नियुक्त में संबंधित नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग करते हुए प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन भी बीडीओ को दिया, जिसमें कहा गया कि बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में पंचायत राज विभाग की प्रधान सचिव अन्य संबंधित पदाधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों के आलोक में पंचायत के विभिन्न वार्डो में कार्यरत सचिव को ही वार्ड अनुरक्षक के पद पर नियुक्त करना है। रिलायंस टीवी के लिए मशरक से संतोष कुमार की रिपोर्ट। किस लिए हम लोग यहाँ आए हैं? जैसे कि हम वार्ड सचिव संघ के सब हम वार्ड सचिव हैं, हम सब यहाँ अनुरक्षक के पद के बहाल के लिए आए हैं। लेकिन आश्वासन हम लोग को दी गई थी कि आप मंगलवार को आएँ बीडीओ साहब के द्वारा, लेकिन अभी जैसे कि 4 बज रहा है और हम लोग 10 बजे से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वीडियो साहब आए नहीं हैं और उसमें कुछ धांधली हुई है और उन मुद्दों को हम लोग को वीडियो के समक्ष रखना था, लेकिन अभी तक सर आए नहीं हैं। क्या करेंगे आप लोग आगे? तो हम लोग का यही मांग है कि जो भी हमारे जैसे कि हमारे तीन सूत्री मांगे हैं, जैसे कि हमारा मानदेय दिया जाए और अक्षर के पद पर हमें बहाल किया जाए और जो सचिव हैं वार्ड सचिव हैं उन्हें अनुरक्षक बनाया जाए।